सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चॅनलला, बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि लेटेस्ट न्यूज बघा. कोंढवा येथील एका कुटुंबावर आपल्या घराच्या कर्तापुरुषानेच मांडलाय छळ. पीडित महिलेने पत्रकार परिषदेत दिली माहिती. डॉक्टर अहमद कुरेशी हे आपल्या कुटुंबाला नेहमी मारहाण करत असतात आणि त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या मुलींना घरामध्ये कोंडून ठेवले होते व त्याचबरोबर त्यांनी त्या मुलीच्या आईचा सुद्धा खूप छळ केल्याची माहिती हिबा कुरेशी हिने पत्रकारांशी बोलताना दिली. या संपूर्ण प्रकारात पोलिसांनी सुद्धा यांना मारहाण केल्याचे सांगितले आहे व त्यांनी आमच्या विरोधात खोटी तक्रार दिली असल्याची माहिती सुद्धा कुरेशी यांनी दिली. आता पीडित महिला, त्यांची आई व त्यांची बहीण त्यांच्यापासून लांब राहत आहेत व त्यांनी डॉक्टर अहमद कुरेशी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी व त्यांनी डॉक्टर अहमद कुरेशी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी सुद्धा त्यांनी पत्रकाराशी बोलताना दिली. कोंढवा पोलीस स्टेशनला अतिशय वाईट अनुभव आलेला आहे. आजही महिला आपल्या असुरक्षित आहेत ह्याचं हे ज्वलंत उदाहरण. माणुसकीला काळीमा लावणारी ही घटना घडलेली आहे. परंतु कुठलीही संस्था या कोणी व्यक्ती ह्याच्यात त्यांनी पुढाकार नाही घेतला. निर्भया बलात्कार प्रकरणी दिल्लीत घडलेल्या घटनेचे भरपूर निषेध कॅन्डल मार्च पुण्यात झाले, पण मग हे पुणेकर गप्प का? आणि त्यासाठीच आजची कॉन्फरन्स मी बोलवलेली आहे. मी हेबा कुरेशी ह्या घटनेत जिचा बळी गेला आहे, अक्षरशः तिच्यावर जे ताशेरे ओढले गेलेत आणि त्यामुळे तिची जी मानहानी झाली आहे, त्याशिवाय तिची आई रईसा अहमद कुरेशी जी वेल एज्युकेटेड आणि डॉक्टर पण आहे, तिलाही ह्याचा खूप मनस्ताप झालेला आहे. सारा कुरेशी ही तिची बहीण, हिलाही खूप मनस्ताप झालेला आहे. ते त्यांच्याच तोंडून ऐका. मेरा नाम हेबा कुरेशी है. आय एम 26 अँड आय एम अ ग्रॅज्युएट हिअर फ्रॉम अ रेप्युटेड कॉलेज हिअर इन पुणे. हमारे डॅड हमें काफी सालों से हमें कैद करके इतना हमारे ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं. ही इज बीन टॉर्चरिंग अस सिंस सो मेनी इयर्स एंड नाउ बात यहाँ तक आ गई है नौबत कि वो हमें मारपीट पर आ गए और हम ग्रोन अप गर्ल्स, वी आर मी एंड माई सिस्टर, हम ग्रोन अप गर्ल्स के साथ हमारे ऊपर हाथ उठाने लगे. इतना हद तक कि हम वी वर ब्लीडिंग और हमारे पास तस्वीरें भी है आपको दिखाने के लिए. एंड हम लोग को गलत इल्ज़ाम लगाया, हमारे ऊपर आरोप लगाया है. हम पुलिस के पास भी गए थे कि पुलिस हमें मदद के लिए, हमने NCB फाइल करवाया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमें ये बात छोड़ के कह दिया कि आप ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न और ये बाप बेटी का मामला है, घरेलू मामला है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं. पुलिस फिर घर आई एंड उन्होंने बुलाया पुलिस को और पुलिस ने मुझे इतना मारा है कि आई फेल डाउन सेमी अनकॉन्शियस. और फिर वहाँ से मुझे मेरी सुनने के बजाय उल्टा मुझे ही उन्होंने नोटिस समन कर दिया है कि अगर मैंने उनके साथ कुछ भी किया तो वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं. मेरी क्या गलती है यहाँ पे इतना गलत इल्ज़ाम लगा के? कोंढवा पुलिस स्टेशन और कोंढवा पुलिस चौकी दोनों जगह पे मैंने जाके कंप्लेन किया था. NC नंबर भी है मेरे पास, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है. पुलिस ने इस बात को बहुत लीनियंटली लिया है. मैं 32 साल से इस इंसान को, डॉक्टर अहमद कुरेशी मेरे शौहर जो थे, उनको मैं टॉलरेट करती थी ये सोच के कि एक दिन वो अच्छे इंसान बन जाएंगे. वो अपने बच्चों को सेटल करना है हमें, उनके लिए उनको शादी कराना है, अच्छे घर में भेजना है. अगरचे अभी ऐसे सब प्रॉब्लम्स में कौन अच्छे इंसान मिल सकते हैं, तो इसलिए मैं टॉलरेट करती थी इतने साल के किस दिन आएगा जब वो अच्छे हो जाएंगे और वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं गलती कर का एहसास उनको फील होगा. लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और उन्होंने मुझे यकीन भी नहीं आया कि वो मेरे बच्चों पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकते. मेरा बेटा बीमार था कनाडा में और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, मम्मी मुझे 3 दिन से सर में दर्द है, आप प्लीज़ आ जाओ. तो मेरे बच्चों को मैंने कहा कि मैं जाके आती हूँ, तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मी आप जाके आओ, हम ध्यान कर लेंगे. फिर मुझे लगा चलो बाप है, बच्चे हैं, दोनों वो लोग मिल के संभाल लेंगे. लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं जब चले जाऊँगी तो उनके साथ इतना बुरा सलूक होगा कि बच्चे बेचारे इतने परेशान हो जाएंगे, फिर उनको किसी के घर जाके रहना पड़ेगा, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी. एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तवा, मैं इस केस को देख रहा हूँ और जो मेरे क्लाइंट हेबा कुरेशी, उनकी सिस्टर और उनकी जो मदर हैं वो हमारे पास आए थे और उनके साथ बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है. और इनके जो फादर हैं अहमद कुरेशी, उन्होंने काफ़ी बार जो है डोमेस्टिक वायलेंस का उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन पहले भी लगा, इन लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट फाइल किए, वो मारपीट
वो बुरी तरीके से मारते थे, पीटते थे अपने बच्चों को। इसका इन्होंने ऑलरेडी पहले मई वगैरह में भी, 10 मई 2018 को भी एक बार कंप्लेंट किया कोंडवा पुलिस स्टेशन वगैरह में, बट किसी ने, कोई भी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अगर उस समय इन्होंने एक्शन अगर लिया होता तो ये सिचुएशन आज इतना नहीं बिगड़ता। और इनफैक्ट जो जिस दिन की घटना है, जिस दिन इनके फादर ने जो है, इनका एलिगेशन है हमारे क्लाइंट्स का कि झूठा कंप्लेंट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि उनको घर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, जो कि हमारे क्लाइंट्स का कहना है कि वो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। इनफैक्ट जो है, उन्होंने देखते हुए कि सिर्फ हेबा जो उनकी बड़ी बेटी है वही घर पर थी, उन्होंने जानबूझ के बाहर से फ़ोन लगाया पुलिस वालों को, और बिना बेल बजाए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के उन्होंने ये बोला कि मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। शायद उन्होंने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। और बाद में स्पॉट पे जो है, कोंडवा पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस ऑफिसर्स वगैरह आते हैं और इनको जो है ज़बरदस्ती घर का लॉक तोड़ के जो है, और बाद में कुछ लेडी, दो कांस्टेबल भी आती हैं और इनको, हमारे क्लाइंट का एलिगेशन है, हिबा कुरैशी को वहाँ से उनके बेडरूम से घसीटते हुए वो नीचे लेकर आए और गेट के बाहर घसीटते हुए लेके आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके साथ मारपीट भी किया, जिससे उनका जो है कपड़े भी उनके फट गए और जो वो हिजाब पहनती है वो भी निकल गया था, लेकिन इसका कुछ भी जो है उन पर कोई असर नहीं था। और उन्होंने जो भी पुलिस हो या फिर उनके फादर हो, उन्होंने बहुत ही एक हैवानियत के तरीके से ट्रीट किया है उनको, जिसके लिए इन्होंने ऑलरेडी कुछ कंप्लेंट्स फर्दर फाइल किए हैं और हम ये पूरा मैटर को हाईकोर्ट में लेके जा रहे हैं और जो हमें एप्रोप्रिएट पिटीशन लगता है वो हम फाइल करेंगे, जिसमें जो टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, जो जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनके अगेंस्ट और इनके फादर के अगेंस्ट। और इसके अंदर मुझे यही लगता है कि जो बेस्ट जस्टिस हो सकता है वो उनको मिलेगा, क्योंकि हम लोग आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है वो बिल्कुल बहुत बढ़ता जा रहा है। एवरी डे, हर रोज़ हम न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह हम यही देखते हैं, यही पढ़ते हैं। तो मेरा यही है कि अगर इस तरह से अगर पुलिस भी अगर साथ नहीं देगी और वन साइडेड स्टोरी दिखाएगी और उसी को जो है आगे पब्लिश होगा, तो ये जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो सामने नहीं आके कुछ और चीज़ें आ रही हैं सामने, और जिससे इनका डिफामेशन भी हुआ है, जिसके लिए हम अलग से जो एप्रोप्रिएट सूट है वो हम फाइल करने जा रहे हैं। लोग इन्वॉल्व हैं, इनके फादर हों, चाहे पुलिस स्टेशन हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो, जिसने भी जो गलती की है, और उसके जस्टिस के लिए हमारे क्लाइंट्स ने हमें हायर किया है, हमें